दोस्तों बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान आईज ब्लिंक करता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है दोनों की आईज ब्लिंक करने की रेट में एक माइनर नहीं मेजर डिफरेंस है। जी हाँ, अडल्ट बच्चों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आंखें ब्लिंक करते हैं। साइंस की माने तो बच्चे 1 मिनट में हार्डली 1 या 2 बार और बड़े यानी एडल्ट्स कम से कम 10 बार आईज ब्लिंक करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में 100 नहीं 200 नहीं 400 नहीं पूरे 500 बिलियन से ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करता है। है ना अमेजिंग? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही गजब के और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा, जिन्हें सुनने के बाद आप एक ही वर्ड कहोगे, मैग्निफिसेंट, शानदार, अद्भुत। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, हिकअप यानी हिचकी। तो आपको कभी ना कभी जरूर आई होगी और फिर आपने पानी पिया होगा तो हिचकी चली गई होगी, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं एक इंसान है जिसने 1 ग्लास नहीं 2 ग्लास नहीं 1 लीटर नहीं 5 लीटर नहीं 10 लीटर पानी पिया, उसके बाद भी उसकी हिचकी नहीं बंद हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ऑसबॉर्न की, जिनकी हिचकी 1922 में शुरू हुई और 1990 में बंद हुई, यानी पूरे 68 साल तक। ओह माय गॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉरिबल इंसिडेंट, आप ये बताओ हिचकी क्यों आती है? जल्दी जल्दी खाना खाने से, या नर्वस होने से, या बहुत से बोलते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है। लेकिन क्या आप जानते हो हिचकी का संबंध आप जहाँ रहते हो वहाँ के टेम्परेचर से भी है? अगर आप 40 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह से 30 डिग्री वाली जगह पर जाते हो तो हिकअप्स यानी हिचकियाँ शुरू हो जाएंगी। सडन टेम्परेचर चेंज हिकअप्स को जन्म देता है। नंबर 9, जिस तरह एक घर का निर्माण ब्रिक्स यानी ईंटों से होता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना हुआ है। शरीर में करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है और कौन सी कोशिका सबसे छोटी? साइंस की माने तो सबसे छोटी कोशिका पुरुषों के लोअर बॉडी में मौजूद स्पर्म है और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल्स में अंडाणु है। और अंडाणु इतने बड़े होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से विदाउट माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। नंबर 8, ईयरवैक्स यानी कान में जमी गंदगी, जिसे हम वेस्ट समझ के साफ कर देते हैं, उससे जुड़ा एक काम का फैक्ट जान लो। ईयरवैक्स आपके कान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ईयरवैक्स है तो आपके कान सुरक्षित हैं। जी हाँ, ईयरवैक्स कान में बैक्टीरिया या वायरस को प्रवेश करने से रोकता है। और अगर ईयरवैक्स नहीं हो तो आपको बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से कान से जुड़े रोग जैसे टिनाइटिस हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ईयरवैक्स बिल्कुल ना निकालो। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वैक्स अक्यूमुलेट हो गया है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन कम्प्लीट क्लीन मत करो, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड एंड बेनिफिशियल इन लिमिट एंड इन मॉडरेशन। सब्जी में नमक स्वाद अनुसार हो तो ही अच्छा लगता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ईयर वैक्स भी बेनिफिशियल है। नंबर 7, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा इंसान वर्टिकली 20 साल तक की उम्र तक बढ़ता है, या ये कहें एक व्यक्ति की हाइट मैक्स टू मैक्स 20-21 साल तक बढ़ती है। और इसी तरह शरीर के डिफरेंट अंगों के बढ़ने की एक डेडलाइन है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर में एक ऐसा अंग भी है जो बढ़ना कभी बंद नहीं करता, चाहे आप 30 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ या 80 साल के हो जाओ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ईयर एंड नोज। कान और नाक की कोई डेडलाइन नहीं है। कान और नाक ही हमारे शरीर के ऐसे एकमात्र अंग हैं जो कभी भी बढ़ना बंद नहीं होते, यानी इनकी ग्रोथ कभी बंद नहीं होती, ये हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं। है ना अमेजिंग? नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे लंबे काले घने बाल किसके हैं? ये रिकॉर्ड है चाइना की शी क्यूपिंग नाम की एक महिला के नाम। जी हाँ, उनके बाल 18 फीट 5 इंच लंबे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आजकल लंबे काले घने बाल सिर्फ एक सपना ही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिगड़ते खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स के चलते बहुत से लोग हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ऐसे में हर घर में कोई इंसान ऐसा देखने को मिल ही जाता है जिसको हेयर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर है। तो अगर आप या आपके घर में भी कोई इंसान है जो हेयर फॉल से परेशान है और तरह तरह के प्रोडक्ट्स ट्राई करके थक चुका है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैन मैटर्स की क्लिनिकली प्रूवन एंड 0 साइड इफेक्ट्स के साथ आने वाली हेयर गमीज के बारे में। ये गमीज बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन से पैक्ड हैं। इन गमीज में हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये गमीज बहुत यमी हैं, जिन्हें आप चबा सकते हो। इन गमीज को खाने से आपके हेयर और बियर्ड में ग्रोथ होगी, आपके हेयर थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम और 100% शुगर एंड जेलेटिन फ्री है। तो दोस्तों मैन मैटर्स की ये हेयर गमीज खाइए और अपने बालों को स्ट्रॉन्ग बनाइए और हेयर फॉल को दूर भगाइए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ और ऑर्डर 1 फॉर योरसेल्फ।
नंबर 5, दोस्तों शरीर के हर सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन यानी प्राण की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के शरीर सरवाइव नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि लो ऑक्सीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सो ऑक्सीजन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन पहुँचती है ब्लड के थ्रू, राइट? बट क्या हो अगर मैं आपके शरीर में एक ऐसा अंग बताऊँ जहाँ ब्लड पहुँचता ही नहीं है? नो ब्लड नो ऑक्सीजन। वो अंग डायरेक्ट ऑक्सीजन रिसीव करता है विदाउट द हेल्प ऑफ ब्लड। मैं बात कर रहा हूँ आँख में मौजूद कॉर्निया की। कॉर्निया ऑक्सीजन सीधे वायु से लेता है विदाउट एनी अदर हेल्प। नंबर 4, डर एक ऐसी चीज है जिससे हर इंसान कभी न कभी जरूर परेशान होता है। और जानते हो ज्यादातर डर साइकोलॉजिकल होते हैं जिनका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को स्टेज पर स्पीच देने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। These are all imaginary fears. ये सब हमारे दिमाग की उपज हैं। तो फैक्ट ये है कि इंसान केवल दो ही डर के साथ पैदा होता है, बाकी सारे डर बाद में आते हैं। पहला डर होता है तेज आवाज का डर एंड सेकेंड गिरने का डर। बाकी डर इंसान खुद क्रिएट करता है। एक लाइन बोलता हूँ, याद रखना हमेशा। कहा जाता है कि किसी चीज का डर खुद उस चीज से ज्यादा डरावना होता है। तो अगर आपको भी किसी चीज से डर लगता है तो उसका सामना करो। फेस योर फियर्स, कन्फ्रंट योर फियर्स। फियर्स फुल फॉर्म इज फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है इंसान एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आंसर है 12 से 16 बार। और कछुआ यानी टॉर्टोइस एक मिनट में 4 बार सांस लेता है। और कछुए की लंबी उम्र का राज भी यही है। कछुआ, पीपल का पेड़ और हाथी ये सब एक मिनट में 10 बार से भी कम सांस लेते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। एक कछुआ एवरेज 300 से 400 साल तक जीता है। कहा जाता है लोअर इज बेटर। वहीं दूसरी तरफ डॉग एक मिनट में 60 बार सांस लेता है। उसकी मैक्स टू मैक्स एज 10 से 15 साल ही होती है। इसीलिए अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को, सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए अनुलोम विलोम और प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस लें। नंबर 2, दोस्तों हम कोई भी चीज देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट उस चीज पर गिरती है और उसका इमेज हमारी आंखों की रेटिना पर बनता है और ऐसे हमें कोई चीज दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हो हमारी बॉडी का भी खुद का एक प्रकाश होता है, लाइट होती है। जी हाँ, हमारी बॉडी भी लाइट एमिट कर रही है एज पर साइंस, बट वो हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज हमारी आंखों की सेंसिटिविटी से वो लाइट 100 टाइम कम है। कुल मिलाकर लाइट की इंटेंसिटी काफी कम है, दैट्स व्हाई वी कांट सी इट। नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर ये सुना होगा कि आमाशय भोजन के पाचन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स एंड एसिड रिलीज करता है, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि लोहे की कील को भी गला सकता है। लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? बिकॉज आमाशय में श्लेष्मा यानी म्यूकस की परत होती है जो एक सुरक्षा कवच का काम करती है और आमाशय को बचाती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मैन मैटर्स की हेयर गमीज को यूज करते हो तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने यूज करना। और साथ ही दोस्तों मैं अगर इसके ब्रांड के बारे में बात करूं जिसका नाम मैन मैटर्स है, जो कि एक इंडियन ब्रांड है जो कि मैन के इश्यूज से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे हेयर, स्किन, वेट, स्लीप, सेक्सुअल वेलबींग, परफॉर्मेंस या हाइजीन रिलेटेड। साथ ही इनका एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक भी है जिसमें आप इनकी वेबसाइट पर जाकर एक फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन कर सकते हो डॉक्टर्स के साथ। बस आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।